तो बेटा थोड़ा सा हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, धागे जैसी रचनाएं होती हैं, दे आर सीन ओनली ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल। तो सेल जो होता है, कोई भी नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी डिवीजन होती है, वो सेल डिवाइड होते हैं, तो उनमें क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं। तो जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं। कम से कम 3000 के करीब जीन्स होते हैं। जीन इज़ ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। विरासत का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके बच्चों में आगे जाएंगे, ठीक है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे जो पेरेंट्स हैं उनकी शक्ल कैसी है, जैसा ही उनके बच्चे की शक्ल होती है, तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जीन जो होते हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है करेक्टर्स की, उनके अंदर करेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है कि आगे जो नया ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि पुराने ऑर्गेनिज्म का जो बच्चा होगा, उसके बेबीज होंगे, उनमें कैसे इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, किन चीज़ों से जाएगी, तो वो जीन्स से जाती है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ द हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, ऑफस्प्रिंग्स उनके बच्चे। तो ये डिसाइड करता है, इसका कंट्रोल होता है जीन्स के ऊपर, कंट्रोल जीन्स का इसमें कंट्रोल होता है कि कौन से करैक्टर्स जो हैं, कैसे करैक्टर्स जो हैं वो विरासत के रूप में माँ बाप से बच्चों में जाएंगे। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। ऐसा है इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनके कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आप में गए हैं। तो इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़, अगर आपके पिताजी की आंखें भूरी होंगी, यानी कि जो बीच वाला जो आँख के अंदर आयरिस होता है वो भूरा होगा, आपका भी वैसा ही होगा, या आपका माताजी से मिलेगा। यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज़ इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, आपके माताजी के बाल जो हैं वो कुंगराले होंगे, तो यू माइट आल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर, आपके भी बाल कुंगराले होंगे, आपकी टांगें लंबी होंगी, बाजू लंबे होंगे, या माथा चौड़ा होगा, तो आपका भी वैसा ही जैसा माँ बाप का होगा वैसा ही आपका होगा। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फॉर्म पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जीन्स आपके या कुछ करेक्टर्स आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ऐसे मामा जी से, अपने बुआ से ऐसे मिल सकते हैं। तो न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस का उसका रोल है, यानी कि जे क्रोमोसोम्स में ये इंफॉर्मेशन होती है, तो न्यूक्लियस का ये जो रोल है इनहेरिटेंस का है। इसके अलावा एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल के भीतर जो भी क्रियाएं होती हैं उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, यानी इनहेरिटेंस के अलावा उसका ये भी फंक्शन है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर का जो लिविंग कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जो लिविंग सब्सटेंस है सारा, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो पहली पूछ रही है, पहली वांट्स टू नो इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज़ द सेम इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। हाँ, ये लगभग वैसा ही होता है जैसा प्लांट सेल में होता है, वैसा ही एनिमल सेल्स में होता है। इनहेरिटेंस उसमें वैसे ही सेम होती है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फ़र्क होगा। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो सिंगल सेल वाले होते हैं, इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये पुराने स्टार्टिंग वाले सेल होते हैं जो बैक्टीरिया के होते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग फॉर्म में है, जो सिंगल उसकी ज़्यादा मतलब मॉडिफिकेशन नहीं हुई, ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो वो पुरानी अवस्था में ही हैं, तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ने ग्रोथ प्राप्त कर ली है, उनके जो सेल होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब कि बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं। देर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, बाहर खुले में होता है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोट सेल्स। ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मतलब स्टार्टिंग वाले। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, तो इनको प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव यानी मुडले स्टार्टिंग वाले, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब मॉडिफाइड, बाद में यू का मतलब ट्रू, यानी कि वो उनके जो न्यूक्लियस हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, उनको यूकैरियोटिक सेल्स